गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एशियन डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ किरण। टुडे इज आवर साइंस क्लास एंड आवर 8th चैप्टर इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के, एनिमल स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लांट सेल अलग होती है, एनिमल सेल अलग अलग होती है। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सेल की, टाइप्स पढ़ेंगे सेल कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी में किस टाइप से सेल काम करते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो ज़रूरी होती है कि उसके अंदर सेल होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है। तो सेल क्या होता है, कुछ मैं थोड़ा उसको उसके हिस्ट्री के बारे में बता दे रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ द सेल, क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री है सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट्स हुक ने इन 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया। उन्होंने देखा स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। मैग्नीफाइंग डिवाइस में उन्होंने कॉर्क को देखा, उसकी स्लाइसिस को। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क क्या है, एक हिस्सा है ट्री के, पेड़ का। तो पेड़ का उन्होंने छिलका, इसमें पार्ट ऑफ ए बार्क, ट्री के बार्क के पार्ट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। He took thin slice of cork and observed the end microscope. उन्होंने थीन पतला सा स्लाइस टुकड़ा लिया कॉर्क का और ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। He noticed partition box in the cork slices. उन्होंने पार्टीशन देखे अलग अलग, अलग अलग बॉक्सेस के टाइप में उसमें बने हुए थे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall. और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक स्लाइसेस के बीच में, उन्होंने नोटिस किया कि उनके बीच में हर एक बॉक्स के अंदर वॉल बना हुआ है। तो उन्होंने उस वॉल को क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने डिस्कवर्ड किया, तो रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर्ड किया, 1665 में। अब रॉबर्ट हुक आर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटो लोजी। रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी का क्या मतलब है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द यूनिट ऑफ द सेल। जो सेल के बारे में स्टडी करे उस ब्रांच, साइंस की ब्रांच को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। तो रॉबर्ट हुक उसका फादर के नाम से भी जाना जाता है। अब माइक्रोस और अब हमने ये और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो जो सेल थी उसके अंदर वो डेड सेल थी। तो उन्होंने पाया कि सेल अंदर से एम्प्टी है, उनके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि वो डेड था। हुक ऑब्जर्व दैट बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। एक्चुअली वो क्या थी, डेड सेल थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया। पर आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोवन ल्यूवेनहोल्क ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की उसके सेल्स के बारे में। तो ये भी आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है, बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। जैसे बच्चों आपको पता है जब हम इमारतें बनाते हैं तो उसमें ब्रिक यूज होते हैं, एक एक ब्रिक्स के पूरी बिल्डिंग तैयार की जाती है, जो एक एक ब्रिक्स से ही तैयार होती है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एक एक सेल पूरे इकट्ठे होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। और ये है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी भी ये जरूरी नहीं है कि सेल का स्ट्रक्चर सेम हो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम ब्रिक्स का एग्जांपल ले रहे थे, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ब्रिक्स की, तो वो ये जरूरी तो नहीं कि मतलब हर एक इक्वली डिज़ाइन हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो, साइज कोई भी हो सकता है, कोई भी उसकी शेप हो सकती है। उसी टाइप से इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल। हर एक आदमी बना तो सेल का होता है पर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने ब्रिक्स का एग्जाम्पल दिया। अब आगे आता है डेफिनेशन, व्हाट इज ए सेल, सेल होता क्या है एक्चुअली। तो सेल क्या होता है, ए सेल इज ए स्ट्रक्चर फंक्शनल बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसके कुछ फंक्शनल फंक्शंस होते हैं
और एक ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। अलग अलग छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, वो इकट्ठे होके ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। तो अब हमें पता है हमारे अंदर हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सेल हैं, ट्रिलियंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हैं। अब आप कुछ आगे आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? सेल दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन सी होती है? यूनिसेलुलर वो होती है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिंगल सेल पाई जाए, वो यूनिसेलुलर बोला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक्टीरिया, अमीबा। अब आगे आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती है। पर सिंगल सेल होगी तो यूनिसेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर होगी तो उसमें बहुत, दो तीन चार कितनी भी सेल हो सकती हैं, वो होता है मल्टी सेलुलर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल। अब आगे है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। वो सिंगल सेल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, मूवमेंट, डाइजेशन, सब कुछ किसके द्वारा होता है? यूनिसेलुलर के द्वारा होता है। तो ये उसमें एक सहायक होती है। लाइक ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ले लेते हैं, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। वो कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को, रिस्पायर्स, एक्सिक्रेट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसिस, ये सब उनके काम होते हैं। तो समझ आ गया? सबसे पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया? हिस्ट्री एक्सप्लेन की, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, 1665 में डिस्कवर किया, ये सब हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। कैसे डिस्कवर हुआ, ब्रिक का एग्जांपल लेके मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब फिर आगे हमने पढ़ा सेल क्या होता है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी समझ आ गया जिसमें सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है, वो एग्जाम्पल बता दिया बैक्टीरिया, अमीबा। मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती है उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस, कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो सिंगल सेल में परफॉर्म करती है फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर, जैसे रेस्पिरेटरी, मूवमेंट, डाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब उसके वर्क होते हैं। अब आगे आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेवल कौन कौन से होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? ये सिर्फ मल्टी सेलुलर में होते हैं। कैसे? पहले स्टेज पे होता है सेल। सेल क्या होता है? ए बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो है सेल। अब बाद में आता है टिश्यू। तो टिश्यू किससे बना होता है? बहुत सारी सेल इकट्ठे हो गए टिश्यू बनाते हैं। व्हेन मैनी सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन केम टुगेदर, सारी सेल सेम वर्क परफॉर्म होना चाहिए, सेम सेल होनी चाहिए, उनका कलेक्शन टिश्यू कहा जाता है। अब टिश्यू के बाद टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। मैनी टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करके क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होके क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्ट, कुछ भी ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम को सब कुछ इकट्ठा करके क्या बनेगा? ए बॉडी इज ए मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन सिस्टम को की वजह से क्या बनती है? बॉडी, हमारी बॉडी तैयार होती है। तो यह एक्सप्लेन करके मैंने अच्छे से बताया। जैसे देखो दे भी रखा है, सेल क्या होता है? ए बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट टिश्यूज व्हेन मैनी सेल्स और ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन केम टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। वो क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू, ऑर्गन। मैनी टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये सब बता दिया। ऑर्गन सिस्टम, मैनी ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। बॉडी, ए बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सब कुछ ऑर्गन सिस्टम को मिला के ही हमारी बॉडी तैयार होती है। अब हम ऊपर से भी ये जान सकते हैं, जैसे पहले हमारी बॉडी है, बॉडी में फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, उन अलग अलग सिस्टम्स के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो किससे बने होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनको टिश्यू बोला जाता है, और फिर टिश्यूज को भी अलग अलग करके उनको एक एक इकाई सेल बोला जाता है। जो छोटी से छोटी इकाई हमारी बॉडी में होती है उन्हें क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। तो
आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट रेज कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा फेयर नोटबुक में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक, वेबसाइट लिंक दे रखा है, तो उस पर जाके भी आप वीडियो और सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।